चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कर रहे हैं P15 प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें फॉर्मुलेशन भी करना है और कुछ चीज़ें नई हैं इसमें। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम P15। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अ लोकल ट्रेवल एजेंट इज प्लानिंग अ चार्टर ट्रिप टू अ मेजर सी रिसोर्ट्स। जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं, तो जो ट्रेवल एजेंट्स हमारे टूर वगैरह पैकेज वगैरह देते हैं, ये उस तरीके की प्रॉब्लम है। द 8-day 7-night पैकेज इंक्लूड द फेयर फॉर राउंड ट्रिप ट्रेवल, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, बोर्ड एंड लॉजिंग एंड सिलेक्टेड टूर ऑप्शन। द चार्टर ट्रिप्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 200% एंड पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर गेटिंग 200%। मतलब जो हमारे पास टोटल पैकेजेस अवेलेबल हैं वो 200 बंदों के लिए अवेलेबल हैं, और ये भी बोला गया है कि 200 बंदे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है 200 बंदों में। द प्रॉब्लम फॉर द ट्रेवल एजेंट इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डीलक्स स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी टूर पैकेज। अब प्रॉब्लम ये है कि कितने आपके डीलक्स दें, कितने स्टैंडर्ड दें और कितने इकोनॉमी दें। दीज थ्री प्लान्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू सीटिंग एंड सर्विस ऑफ द फ्लाइट, फॉर द फ्लाइट क्वालिटी ऑफ एकोमोडेशन, मील्स प्लान्स एंड टूर ऑप्शंस। द फॉलोइंग टेबल समराइज द एस्टिमेटेड प्राइस फॉर द थ्री पैकेजेस एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस फॉर द ट्रेवल एजेंट। द ट्रेवल एजेंट हैज हायर्ड अ फ्लैट हैज हायर्ड एन एयरक्राफ्ट फॉर द फ्लैट फीस ऑफ ₹2 लाख। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब उसने एयरक्राफ्ट ₹2 लाख में किराए पे ले लिया। चलिए, प्राइस एंड कॉस्ट दे रखी है तीनों पैकेजेस की, तो इनसे हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब जो कंडीशंस हैं वो पढ़ लें। इन प्लानिंग द ट्रिप्स द फॉलोइंग कंसीडरेशन मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट। एटलीस्ट 10% ऑफ द पैकेज मस्ट बी ऑफ डीलक्स टाइप। At least 35% but not more than 70% must be of standard type. At least 30% must be of economy type. The maximum number of deluxe package available in any aircraft is restricted to 60. The hotel desires that at least 120 of the tourists should be on the deluxe and standards. The travel agents wishes to determine the number of packages to be offered in each type so as to maximize the total profit. Formulate the above as a linear programming problem. अभी सिर्फ इतना ही पड़ी है, इसके आगे का हम लोग बाद में करेंगे, ये पार्ट बी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वही कर लेंगे, लेट एक्स दिस नंबर इज दिस। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो है P15। स्टडी मटेरियल की ये 15वीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं लेट X1, X2, X3 बी द नंबर ऑफ पैकेज टू बी सोल्ड ऑफ डीलक्स स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी प्लान। ठीक है ना, तो हम निकाल लेंगे प्रॉफिट। तो डीलक्स में कितना प्रॉफिट है, स्टैंडर्ड में कितना प्रॉफिट है और इकोनॉमी प्लान में कितना प्रॉफिट है। डीलक्स में ₹10,000 की सेलिंग प्राइस है, ₹3,000 का आपका होटल का खर्चा है, 4750 का मील का खर्चा है, तो ₹2,250। स्टैंडर्ड में ₹7,000 का प्लान है, ₹2,200 होटल का है, ₹2,500 खाने वगैरह का है, तो ये ₹2,300 निकल आएगा। और इसमें ₹6,500 का प्लान है, ₹1,900 का होटल दे रहा है वो, ₹2,200 का खाने पीने का दे रहा है, तो ये ₹2,400 हो गया।
ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2250 एक्स वन, 2300 एक्स टू, 2300 एक्स टू, 2400 एक्स थ्री, माइनस हमारा जो खर्चा है 2 लाख रुपए वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू। अब देखें एक एक कंडीशन को जरा। पहली कंडीशन तो यह है कि हमारे जो तीनों पैकेज हैं वो कितने हैं, तीनों पैकेज हमारे 200 हैं। तो ना पहली कंडीशन है कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये 200 के बराबर हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ना मैंने लेस देन लिखा है ना ग्रेटर देन लिखा है, क्योंकि ना तो इसमें ये लिखा है कि अप टू और ना ये लिखा है कि एटलीस्ट, ये लिखा है 200 हो जाएंगे। नंबर टू कंडीशन पढ़ेंगे जरा बुक में, एट लीस्ट 10% ऑफ द पैकेज मस्ट बी ऑफ डीलक्स टाइप, यानी कि जो एक्स वन है वो कम से कम 10% होना चाहिए। तो 10% किसका, 200, और हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वन शुड बी ग्रेटर देन 20। तीसरा पढ़ेंगे, एट लीस्ट 35% ऑफ द पैकेज, 35% बट नॉट मोर देन 70% मस्ट बी ऑफ डीलक्स टाइप स्टैंडर्ड टाइप। तो देखें एक्स टू जो है वो कम से कम तो 35% चाहिए, यानी कि कम से कम 70 चाहिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा 70% चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो एक्स टू जो है ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी कि एक्स टू 70 से तो ज्यादा चाहिए और 140 से कम चाहिए। अगली पढ़ेंगे, एटलीस्ट 30% मस्ट बी ऑफ इकोनॉमी टाइप, तो यानी कि एक्स थ्री जो है कम से कम 30% होना चाहिए। तो एक्स थ्री 30% का मतलब है हम एक्स थ्री कह सकते हैं कि कम से कम 60 बंदे तो एक्स थ्री के भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखें, इसके बाद उन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डीलर्स पैकेज अवेलेबल इन एनी एयरक्राफ्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 60। एयरक्राफ्ट में जो डीलक्स है, डीलक्स का मतलब हो गया एक्स वन, वो 60 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक्स वन की एक कंडीशन ये है और ये है, तो जब दोनों सेकंड और फिफ्थ को मर्ज करेंगे तो हमारी कंडीशन ये बन जाएगी, ठीक है ना। सेकंड और फिफ्थ को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारी कंडीशन बन जाएगी इस तरीके से कि 20 एक्स वन इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60। चलिए एक और पढ़ें, होटल डिजायर्स दैट एटलीस्ट 120 ऑफ द टूरिस्ट शुड बी ऑन द डीलक्स एंड स्टैंडर्ड पैकेज। लास्ट जो है छठवीं इक्वेशन कि एक्स वन और एक्स टू जो है वो कम से कम 120 तो होटल को चाहिए ही चाहिए, सबकी इच्छाएं पूरी कर दी हमने, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं हम लोग, वेयर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं फाइनल इक्वेशंस उन पे जरा हम लोग सर्किल मार दें। एक ये हो गई हमारी, दूसरी हमारी ये हो गई, ठीक है। ये भी है, ये एक इक्वेशन है क्योंकि ये सेकंड और थर्ड मर्ज हो गया था, और ये है, ठीक है ना।
क्योंकि सेकंड को मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि सेकंड फिफ्थ के साथ जाके मर्ज हो गई थी, तो ये फाइनल इक्वेशंस आ जाएंगी। तो आप चाहें तो फाइनल वर्जन अगर चाहें तो लिख सकते हैं, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2250x1 प्लस 2300x2 प्लस 2400x3 माइनस 2 लाख रुपए सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x1 60 70, x2 140, ठीक है ना, x3 शुड बी ग्रेटर देन 60 और पांचवा x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन 120 वेयर x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन 0। ये हमारी एक तरह से फाइनल वर्जन बन गया, ठीक है। चलिए अब इसका जरा हम सेकंड पार्ट पढ़ें। रीस्टेट द एबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ टू डिसीजन वेरिएबल। ये अभी तक की एग्जाम्स में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं पूछी गई है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन चूंकि ये पूछा नहीं गया इसलिए हमें पता नहीं है। तो अब जो ऊपर प्रॉब्लम है उसे हम टू डिसीजन वेरिएबल में हमें बना के इसको रीस्टेट करना है। तो देखें कैसे होगी इसका पार्ट सेकंड, P15 का अब हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं इन टू डिसीजन वेरिएबल। हम जानते हैं वी नो क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 200, ये हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 सॉरी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x3 जो होगा वो क्या होगा 200 माइनस x1 प्लस x2। पुट दिस इन दी एबव इक्वेशंस। हम सब जहां जहां पर x3 आ रहा है वहां वहां पर हम इक्वेशंस में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2250x1 प्लस 2300x2 प्लस, अब जहां x3 था वो था 2400x3, तो x3 की जगह हम क्या लिख देंगे 200 माइनस x1 प्लस x2, ठीक है ना, और माइनस करेंगे 2 लाख रुपए वेयर में देखेंगे। पहली इक्वेशन तो खत्म हो जाएगी क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 200 था, तो वो तो हमने कर ही लिया। तो नंबर वन है 20 इज लेस देन x1, दूसरी इक्वेशन है 70 इज x2 इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 140, तीसरी इक्वेशन है x3, तो x3 की जगह हम क्या लिखेंगे 200 माइनस x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 60। इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज लेस देन 140। चौथी इक्वेशन क्या थी हमारी,
एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेटर देन 120। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ को प्लस कर दें तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, 120 एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन एक मिनट